न्यूज लाइव में मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल बसों पर आरटीओ की कार्रवाई, नक्सलियों का हमला, कैमरेमैन की हत्या, 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। अब खबरें विस्तार से। स्कूल बस अवैध वाहनों की आरटीओ ने जांच पड़ताल की, जिसमें 275 वाहनों में से 110 वाहन नियम का पालन करते हुए नहीं दिखाई दिए। इन वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने दूरदर्शन की टीम पर हमला किया। अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि टीम में कितने लोग शामिल थे। इस हमले में एक पत्रकार की मौत हुई है। राजधानी में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने सभी को हिला दिया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कर आरोपी को गिरफ्तार किया। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।